अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पे वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। कीप इन माइंड, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, वरना उसको पूरी तरह से आपने इग्नोर करना है। आपके सामने दो कार्ड्स अवेलेबल हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स, जिस पे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, वो वाला कार्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसी में ही आपका आंसर है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, 5 सेकंड का टाइम ले सकते हैं, और जिस पर्सन के बारे में जानना है आप उसका चेहरा अपने माइंड में लेके आइए और ये कार्ड सेलेक्ट करिए। अपनी पाइल आपने सही से सिलेक्ट करनी है। हम चलते हैं कार्ड नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पाइल नंबर 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? कुछ लव मैसेजेस भी लेंगे हम आपके पर्सन के। पाइल नंबर 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? रिवर्सल कार्ड भी मैं पढ़ूंगी। रिवर्सल कार्ड आएंगे तो अब मैं रिवर्सल कार्ड भी पढ़ूंगी। द हायरोफैंट, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है रिलीजियस हो सकते हैं, अपने मज़हब को बहुत ज़्यादा मानने वाले, बहुत ज़्यादा अपने कल्चर को मानने वाले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्से के तेज़ हों। अभी आप लोग, आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, तो आपके पर्सन जो है गुस्से के तेज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट बात करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा इगोस्टिक इंसान हैं। जब दिल चाहता है आपकी लाइफ में आ जाता है, जब दिल चाहता है आपकी लाइफ से चला जाता है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है इस कार्ड को देख के। अभी लोग, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड मुझे बताता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजन को मानने वाले हैं। ये आपके अपने रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे तो लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में मदर इशूज़ हों। अगर मदर इशूज़ नहीं है, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दोनों ही कार्ड आए हैं निकल के, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे। इनके घर वाले, अगर आप लोगों का कल्चर डिफरेंट, मज़हब डिफरेंट है, तो उनके घर वाले जो है वो एग्री नहीं करेंगे। और अगर आप दोनों जो हैं, आप उन्हें गुस्से साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जानता है कि आपको सच्चाई पसंद है। सच्चाई के अलावा आप कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आप उसको कट ऑफ कर देती हैं, और ये इंसान ये सोच के आपकी तरफ और ज़्यादा मज़ीद अट्रैक्टिव हो जाता है। किंग ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द टावर रिवर्स आया है, टावर का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, और हमें मिला है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ वॉन्स। तो गाइज, हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो सिचुएशंस हैं, यानी कि आपकी लाइफ में इस पर्सन के अलावा भी कोई और आ गया है, ठीक है, या इस पर्सन के लाइफ में कोई और आ गया है या था पहले। लेकिन जो भी सिचुएशन है, देखें यहाँ पे 2 किंग्स निकल के आए हैं, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। 3 ऑफ कप्स निकल के आया है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हैं। या तो आप भी मैरिड हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हैं, और आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पे, ठीक है, या फिर ये इंसान किसी और के साथ मैरिड है और पसंद आपको करता है, शादी आपके साथ करना चाहता है, रहना आपके साथ चाहता है। आपने इस इंसान के बारे में कुछ ऐसी सडन चीज़ें सुन ली कि आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन ये मज़ीद ब्रेकअप वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहता। ये चाहता है कि आपके साथ सेलिब्रेशन हो, आपके साथ एक परफेक्ट लाइफ गुजरे आपके साथ। ये इंसान अगर मैरिड भी है तो उस सिचुएशन में खुश नहीं है। अगर आप दोनों भी एक दूसरे से मैरिड हैं और किसी वजह से आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई थी, जिस वजह से आप लोग सेपरेशन कर फेस कर रहे थे, या जिस वजह से आप लोग अलहदा हो गए थे, ये इंसान अब आपसे रिकनसाइल करना चाहता है, ये मज़ीद दुखी रहना नहीं चाहता। इसके पास सब कुछ है, इसके पास आप मिस हैं, इसकी लाइफ में सब कुछ है, इसके पास आप नहीं है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपकी तरफ
एक स्टेप लेना चाहता है, ये इंसान चाहता है कि आपके इसके बीच में जो भी मसले हैं वो सब ख़त्म हो जाए। अगर ये इंसान आपको, इसने कभी आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करी है, इसने आपको कभी बताया नहीं है, तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, ये इंसान आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। हो सकता है इस इंसान का सारा फोकस जो है अपने कैरियर पे हो, पेंटिकल पे, क्योंकि ये इंसान मुझे फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, काफ़ी अच्छा वेल ऑफ हो सकता है, बहुत अच्छी इसकी जॉब है, इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको अपने चलाने की भी आदत है, मैं यहाँ पर ये कहूँगी। इस इंसान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये इंसान आपको अप्रोच तो करना चाहता है, इसको लगता है कि अगर ये इंसान आपको अप्रोच करेगा तो आप जो है इसको सही से जवाब देने वाली नहीं है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, आपने भी इस इंसान को अपना सेल्फ दिखाया है कि तुम मेरी लाइफ में आना तो सीरियस कमिटमेंट लेके आना, वरना मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, स्पेशली टॉरस। तो आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो ये इंसान चाहता है कि आप दोनों इस सिचुएशन में वर्क करें। ये इंसान आपको अपने जैसा ही समझता है कि जैसे आप है वैसा ये इंसान है। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो सकता है, आप लोग कज़न भी हो सकते हैं, आप लोग बचपन के दोस्त हो सकते हैं, आप लोग इनसे इंटरनेट के थ्रू मिले हैं। अगर इंटरनेट के थ्रू नहीं मिले हैं तो आप जो है ये इंसान आपके साथ फॉर श्योर न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो नहीं पा रही है। आपके साथ ये मसला है कि आपके साथ इस इंसान साथ हर दफ़ा एक नया चैप्टर शुरू होता है, ख़त्म हो जाता है, आप लोग जो है सही से आ नहीं पाते। आपने इस इंसान के गुस्से की वजह से या इसकी कुछ बैड एडिक्शन की वजह से आपने इसे दूरी बनाई, लेकिन अब ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, आप में ही स्टक होकर रह गया। ये इंसान जस्टिस दे नहीं पा रहा है, जस्टिस ज़रूर देगा ये इंसान, लेकिन जस्टिस देता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि रिवर्सल कार्ड है, जस्टिस देना चाहता है लेकिन जस्टिस दे नहीं पा रहा है। इसने पास में इसके पास चॉइसेस होंगी गाइस, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकल के आया है। मेल या फीमेल या किसी डजंट मैटर, ये दोनों के लिए है। अगर मेल देख रहे हैं तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लंट बात करती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से की तेज हैं, बहुत ज़्यादा शार्प टंग है इनकी। अगर आप इनको एक बात बोलते हैं तो ये आपको 10 बातें बुला के ब्लॉक कर देती होगी, कुछ इस टाइप की एनर्जी होगी। और सेम यही मैं मेल के लिए भी बोलूँगी, आप इस इंसान से शादी करके सेटल डाउन होना चाहते हैं, ये इंसान भी आपके साथ सेटल डाउन होना चाहता है शादी करके, लेकिन मुझे जो ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान अभी कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। हाँ, ये कमिटमेंट देगा, शादी करेगा आपसे, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस इंसान की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्द, मैसेज कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है ये इंसान। देखें, ये इंसान चाहे तो आपको कमिटमेंट हाथों हाथ दे सकता है, क्योंकि किंग है, एरिस लियो सजिटेरियस हैं आपके पर्सन, और ये थोड़े से जो है ना माइंड गेम खेलने में बहुत ज़्यादा ये इंसान होते हैं कि माइंड गेम खेलते हैं, लोगों के पैशन टेस्ट करते हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। तो ये इंसान जो है आपको चाहता है कमिटमेंट देना, ब्रेकअप मूड में रहना नहीं चाहते, ये चाहता है कि आपके साथ रिकनसाइल किया जाए, आपको एक सॉलिड ऑफर दी जाए, न्यू बिगनिंग की जाए आपके साथ, जहाँ पे आप अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ हो आप दोनों की। अगर आपने इस इंसान से दूरी बनाई होगी तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का सुनकर इस इंसान से दूरी बनाई होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। आपको ये इंसान कहीं और हुकअप करते हुए दिख गए होंगे, तो आपने सोचा होगा ये इंसान आपके साथ सीरियस नहीं है। इसे अगर ये मेल है तो फीमेल के साथ, और फीमेल है तो मेल के साथ जो है इसे अपोजिट जेंडर जो है वो अट्रैक्ट करता है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये इंसान कमिटमेंट देगा। आज जहाँ आपकी बारी आ जाती है वहाँ ये इंसान ठंडे हो जाते हैं। ये इंसान, आपने किंग ऑफ सोर्ड्स पसंद किया है, लेकिन ये इंसान है किंग ऑफ वॉन्स, थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, आपको ये कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ पर रिवर्स में आया है कार्ड, ये न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, इनकी कुछ बैड एडिक्शन है जो ये इंसान छोड़ नहीं पा रहा है और आपके पास आ नहीं पा रहा है। और अगर लड़की है तो इसके यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि फैमिली प्रेशर है इसके ऊपर, फैमिली एग्री नहीं कर रही है, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो सोचती हैं अगर ये इंसान वहाँ से भी निकल के आ जाएंगी तो आप उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा अगर आपने भी इनको धोखा दे दिया। अब जो एनर्जी मुझे पिक हुई है वो मैंने आपको दे दिया, आपका एंड अप इस इंसान से होना है चाहे जितनी भी सिचुएशन आ जाए आप दोनों के बीच में। और देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से कि ये इंसान आपको और क्या फील कर रहा है आपके बारे में। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को चेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंगेजमेंट, देखिए या तो इस इंसान की एंगेजमेंट या शादी कहीं और हो गई थी, अगर ऐसा है तो ये इंसान आपसे रिकनसाइल तो करना चाहता है लेकिन आपसे बात करके सिर्फ सॉरी तक बोल के चला जाएगा, क्योंकि ये इंसान की शादी मुझे कहीं और होती हुई नज़र आ रही है। एक तो रीज़न ये नज़र आया है,
और अगर ये इंसान सिंगल है और किसी के साथ शादी वगैरह मंगनी वगैरह नहीं हुई है, तो आपसे ये इंसान एंगेजमेंट करके एंगेजमेंट करना चाहता है, रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का सोचता है आपके साथ। अब देख लेते हैं, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, ये इंसान ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। मेक द एफर्ट, ये इंसान एफर्ट लगाना चाहता है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड निकल के आ गया है, एफर्ट लगाएगा, आप थोड़ा सा वेट करें। आपने इस इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव ही आपको रिटर्न मिलेगा इस इंसान की तरफ से, यू डिज़र्व लव। तो ये इंसान जान देखता है कि आप प्यार के काबिल हैं, आपको प्यार दिया जा प्यार किया जा सकता है। इस इंसान ने आपको फॉर श्योर धोखा दिया है, डिसेप्शन का कार्ड निकल के आया है, ये इंसान आपको धोखा देके गया था, अब ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है, इसने आपको धोखा दिया है। तो इसको यूनिवर्स की तरफ से वेकअप कॉल दी जा रही है और ये इंसान जो है उसको सुन भी रहा है। अब इसकी तरफ से कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है, आई कुड नॉट टेल लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो ये इंसान खुद ही है जो अपनी फीलिंग से भाग रहा है, अपने पैशन से भाग रहा है। इस इंसान का ट्रू लव आप है, लेकिन ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं कर पा रहा है। सो मच लव यू, तो ये इंसान कहना चाहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई एम योर्स एवरी एंड एवर एंड एवर। तो ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा के लिए होना भी चाहता हूँ ये तुम्हें। आई वंडर यू आर हैप्पी विदाउट मी, तो इसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके बगैर, तभी इंसान शायद एक्शन लेने से डर रहा है। पर इसकी तरफ से आपको बहुत जल्दी मैसेज मिलने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स का भी कार्ड निकल के आया है और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्स का भी कार्ड निकल के आया है। आई रिप्लाई योर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, ये तो ये इंसान आपके मैसेज दोबारा पढ़ते रहते हैं, आप लोगों ने जो कन्वर्सेशन की है तो ये इंसान उसको पढ़ते रहते हैं और पढ़ के आपको याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं। आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, इट वॉज माई फॉल्ट, आई ब्लेम्ड यू। तो ये इंसान कहना चाहता है कि ये मेरी गलती थी, पर मैं तुमको जो है इसका ब्लेम करता हूँ कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ कि आज हम सेपरेशन में चले गए हैं। तो ये इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, यही रीज़न है कि ये इंसान आपको जो है अप्रोच नहीं कर पा रहा है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता है रीडिंग में, बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला किंग सेलेक्ट किया था, किंग ऑफ कप्स, तो देख लेते हैं आपके पर्सन जो हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये इंसान मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, लेकिन इस इंसान ने कभी अपनी फीलिंग्स आपसे कन्वेस नहीं करी है, कभी इसने बताया नहीं कि आपके बारे में क्या फील कर रहा है। आपने खाली इनकी हिंट की वजह से ही पहचाना है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है पर कह नहीं पाता, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हों, इसके दिल में इसकी एक ही रीज़न है कि ये इंसान आपके बारे में जो फील करता है वो कह नहीं पाता, इसका ये मसला है। ये एक्शंस के थ्रू बात करता है, आपने इसके एक्शंस की वजह से, देखें गाइस मैंने कहा था, और किंग ऑफ कप्स निकल के ही आ गया है। थ्री ऑफ कप्स, तो अगर आप पाइल नंबर 1 पे ड्रॉन हुए तो जाके देखिएगा, सेम एनर्जी निकल के आ गई है। तो ये इंसान आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, अगर आप लोग किसी वजह से सेपरेशन में थे, ब्रेकअप फेस कर रहे थे, तो ये इंसान आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है। इस इंसान के पास मुझे लगता है कि ऑप्शंस थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में था ये इंसान, अगर था तो ये इंसान तब भी आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता। ये इंसान आपको छोड़ के चला गया है, आपको अप्रोच नहीं कर रहा है। जी गाइस, किसी सिचुएशन में इंसान स्टक था, अब ये इंसान वहाँ से निकलना चाहता है, ये इंसान आपको छोड़ के चला गया था, इसने वॉक अवे कर लिया था सिचुएशन से, जो भी आपकी सिचुएशन थी छोड़ के चला गया था आपको। अब ये इंसान रिकनसाइल करना चाहता है आपके साथ। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। नाइन ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप रिवर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, और थ्री ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो गाइज, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 1 पे ड्रॉन हुए थे तो आप लोग जाके देखिएगा। ये इंसान डे एंड नाइट आपके बारे में सोचता है, डे एंड नाइट आपके बारे में। आपका भी यही हाल है कि आपके दिमाग में भी 2400 घंटे ये इंसान चलता रहता है, भले ये वर्क प्लेस पे हो, भले ये पार्टीज़ भी कर रहा हो ना, तो आप इस इंसान के दिमाग में रहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, डिसेप्शन दिया, थर्ड पार्टी में आपको रखा और फिर आपको कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया। इसने आपसे वादा किया था शायद कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, और या आप इस इंसान से मैरिड थे
जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी, तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं कर पाया, चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की। फैमिली प्रेशर की वजह से या ईगो की वजह से इस इंसान ने आपसे दूरी बना ली, आपको ब्लॉक कर दिया, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई, अब ये इंसान रिग्रेट कर रहा है। किंग ऑफ कप्स आपने चूज़ किया और किंग ऑफ कप्स निकल के तो आया, लेकिन रिवर्स, ये इंसान आपको अपना प्यार शो नहीं कर पा रहा है। इस बात से इस इंसान का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, आपका भी बहुत दिल दुखता है इस इंसान को, कि इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में रखा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी, तो ये कार्ड रिवर्स आया, ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से बहुत जल्द जाने वाली है। ये इंसान आपकी लाइफ में रुकता नहीं है, आना जाना लगा के रखता है, आ जाता है चला जाता है, आ जाता है चला जाता है। आपके पास आते तो बहुत मीठी मीठी बातें करता होगा, आपको सपने दिखाता होगा मीठे मीठे, और फिर छोड़ के चला जाता होगा, घोस्ट कर देता होगा। ये इंसान आपके ड्रीम में भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये इंसान कंफ्यूज है, इसे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आपको अप्रोच करे या किस तरह से आपको मनाए। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है मुझे। यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान को डे एंड नाइट आपकी याद सता रही है, या फिर आपने कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पे रिसेंटली पोस्ट किया है, जिसकी वजह से इनकी रात की नींदें उड़ गई हैं और बहुत ज़्यादा इनको एंजाइटी हो गई है। अगर इस इंसान ने आपसे अपना प्यार कभी कन्फेस नहीं किया था, कभी बताया नहीं था कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आपको रखें, किसी और के पास जाएं, या क्या करें, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो थी, ये इंसान कंफ्यूज था, इसे समझ नहीं आ रहा था कौन सा कप इसके लिए बेहतर है। इसीलिए इस इंसान ने आपको भी बस एक क्लियर आपको इमेज नहीं दिखाई थी, सिर्फ ये दिखाया था कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हाँ मुझे अच्छी लगती है, बात करना पसंद है, चलो ठीक है देखा जाएगा आगे क्या होगा। लेकिन जब आपने इस इंसान से दूरी बनाई, आप छोड़ के चले गए, या आपने वॉक अवे कर लिया, या कोई तो किसी को छोड़ के गया है, तो इस इंसान को आपकी वैल्यू, आपकी कदर पता चली है। ये इंसान और मज़ीद हार्ट ब्रेक नहीं बर्दाश्त करना चाहता, ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग कन्फ्रेस करना चाहता है। ये इंसान आपको ड्रीम के थ्रू हो सकता है आपसे कन्वर्सेशन करता हो, बात कर रहा हो, क्योंकि आप तो उन्हें ऐसे चैन से बंधे हुए हैं कि ये इंसान आपको छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पा रहा है। डे एंड नाइट आपको सोच रहा है, स्टक है, इसे लगता है आपने इसको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया, बेयारो मददगार छोड़ दिया, किसी की परवाह नहीं करी इस इंसान की। ये इंसान, आप भी इस इंसान से जस्टिस चाहती है और ये इंसान भी आपसे जस्टिस चाहता है। हो सकता है पास में उनको पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रही हो। ये इंसान अपना प्यार जो है, जिसे मैंने पहले कहा कि आपसे कन्फेस करना चाहता है, विक्ट्री हासिल करना चाहता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके। कन्फर्म यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में। ये इंसान चाहता है कि आपको, आपके साथ सही करे, जब अगर इसने आपके साथ गलत किया, तो ये इंसान चाहता है, इसको यूनिवर्स पुश कर रही है आपकी तरफ कि जाओ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन इसे लग रहा है कि ये इंसान आपके पास आएगा तो आप इसे सही से बात नहीं करेंगी, या आप इसको बहुत ज़्यादा डांटेंगी, या इसको बहुत बेइज्जत करेंगी, कुछ इस टाइप की एनर्जी निकल के आई है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये इंसान आपको, और आप देख लेते हैं। रिलीज़ योर एक्स, तो इस इंसान की, जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये इंसान अपनी पुरानी गलतियाँ, अपनी पुरानी आदतें, या कोई एक्स थी तो उसे रिलीज़ करके आपके पास आना चाहता है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपको लेके, आपके बगैर रह नहीं पा रहा है ये इंसान। व्हाट वेटिंग फॉर, तो आप दोनों के बीच में डिवाइन टाइमिंग है, जब तक डिवाइन नहीं चाहेगी आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। दिस कुड बी द वन, तो आप जो, आपके रोमांटिक पार्टनर जो है, आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हैं, और ये शादी का भी कार्ड होता है, जो कि बताता है कि आपके पर्सन आपसे शादी के लिए रेडी है। और अगर ये इंसान आपसे शादीशुदा थे और किसी और की तरफ इंटरेस्टेड हो गए, तो आपसे कहा जा रहा है कि तो आप तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, यही हैं आपके पार्टनर, ये और ये वापस आने वाले हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक कार्ड और निकालूंगी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो ये इंसान एक चांस चाहता है आपके साथ कि आप इसको चांस दें, इसने जो आपको डिसेप्शन दिया, धोखा दिया, इसे माफ़ कर दें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अब इनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं कि ये इंसान आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहता है। आई लव यू अनकंडीशनली, तो हमें एस ऑफ कप वाली एनर्जी निकल के आ गई है। सो मच लव यू, दोनों दफ़ा ये कहना चाहते हैं कि आपसे यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, तो ये इंसान कहना चाह रहा है कि आप मुझसे म्यूजिक की, यानी कि जो आप इससे जो है म्यूजिक के थ्रू बात कर सकते हैं। प्लीज़ नेवर लीव मी, इंसान कहना चाह रहा है कि अगर आपने इसको छोड़ा है तो मुझे छोड़ के मत जाओ, वापस आ जाओ। ये इंसान वापस आना चाहता है,
आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो ये कहना चाह रहे जिस तरह मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि नाइन ऑफ कप की एनर्जी, सॉरी नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आ गई है, क्या तुम भी मेरे बारे में वैसा सोच रही हो? आई रिप्लाई योर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो ये इंसान कहना चाहता है कि मैं तुम्हारी कन्वर्सेशन, जो मेरी और तुम्हारे में बात हुई थी, मैं वो पढ़ता देखता रहता हूँ और दोबारा पढ़ता रहता हूँ। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं, बाय।